तो यहाँ पर दोस्तों हमारा काम हो चुका है, हमारे मोबाइल नंबर पर लग चुकी है। यहाँ पर हमें एक मैसेज भी प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, डियर कस्टमर वी हैव रिसीव योर। तो इस तरीके से दोस्तों आप आने वाली सभी कंपनी की कॉल्स या फिर SMS को ब्लॉक करा सकते हैं इस तरह से। दोस्तों रोजाना ऑनलाइन सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपके पास आइडिया का नया या फिर पुराना सिम है तो यहाँ पर आपको दो समस्याएं हमेशा देखने को मिलती होंगी। दोस्तों अगर हम पहली समस्या की बात करें तो आपके नंबर पर बहुत से कंपनी के मैसेजेस आते होंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मेरे इनबॉक्स में देख सकते हैं बहुत से कंपनी के मैसेज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह के मैसेज देखने को मिल रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप इन मैसेज को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं ताकि आपके दोबारा नंबर पर कभी भी ना पाए। इसके बाद दोस्तों दूसरी जो हमारी समस्या है वो ये है कि हमारे पास कंपनी की बहुत सी कॉल्स आती हैं। अब दोस्तों आप इससे काफ़ी परेशान रहते होंगे कि आपका कोई दोस्त तो नहीं कर रहा है या फिर किसका नंबर होगा, लेकिन दोस्तों ये कंपनी की कॉल्स होती हैं। अगर आप इनको भी ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा अपने मोबाइल के डायलर पैड में, और दोस्तों यहाँ पर आपको डायलर पैड पर डायल करना होगा 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आइडिया का कस्टमर केयर नंबर डायल करना है, तो मैंने यहाँ पर इसको डायल कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर कंपनी के कुछ जो मतलब टोन वगैरह है वो बजती है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें 4 नंबर का बटन दबाना है, क्योंकि दोस्तों हमें DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब सेवा लगानी है। तो हम 4 नंबर के बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इसने बताया है कि आपके मोबाइल नंबर पर DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब सेवा एक्टिव नहीं है, तो आपको इसको एक्टिव करने के लिए 1 नंबर का बटन दबाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर 1 नंबर का बटन दबा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सभी यहाँ पर कॉल्स ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 0 का बटन दबा देता हूँ। अब दोस्तों हम यहाँ पर 5 नंबर का बटन दबाएंगे, जो जो मैं कर रहा हूँ आपको वही करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा काम हो चुका है, हमारे मोबाइल नंबर पर DND सर्विस लग चुकी है। यहाँ पर हमें एक मैसेज भी प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, डियर कस्टमर वी हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट फॉर DND। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सर्विस है ये यहाँ पर 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगी, और यहाँ पर हमारी जो कम्युनिकेशन ID है, अगर हम फ्यूचर में कभी भी कस्टमर केयर को कॉल करेंगे तो हम यहाँ पर कम्युनिकेशन ID बताने के बाद पता लगा पाएंगे हमारे स्टेटस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल नंबर पर DND लगा लेते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर कंपनी की कोई भी कॉल्स नहीं आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप आने वाली सभी कंपनी की कॉल्स या फिर SMS को ब्लॉक करा सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास दूसरा मैसेज भी आ चुका है, डियर कस्टमर योर रिक्वेस्ट फॉर DND ब्लॉक अनब्लॉक, और यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुल प्रोसीड। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी जो मैंने यहाँ पर DND लगवाई है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर पर DND सर्विस को एक्टिवेट करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। इसी तरीके की नई नई टिप्स और ट्रिक की जानकारी हमसे रोजाना प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रोजाना ऑनलाइन सीखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।